हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहितपंत प्रकाश और मैं आज आपको बीएससी फाइनल में थर्ड फर्स्ट पेपर में पैरासाइट, ठीक है, अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी में यूनिट फर्स्ट में पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारा पहला पैरासाइट है ट्राइपैनोसोमा। तो पहले हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हमारा फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास जूमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, जीनस ट्राइपैनोसोमा, स्पीसीज गैम्बियंस। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो वैलेंटाइन ने सबसे पहले साल्मोन फिश में 1840 में ट्राइपैनोसोमा को ब्लड में देखा था, ठीक है। फिर उसके दो साल बाद ग्रॉबी ने इंडिया में मैमल्स में केवल ट्राइपैनोसोमा को डिस्क्राइब किया था। इवांस ने 1880 में हॉर्सेस एंड क्यूलेक्स में ट्राइपैनोसोमा को देखा। इवांसी ने कैमल्स में ट्राइपैनोसोमा को डिस्क्राइब किया। ह्यूमन ब्लड में फर्स्टली ट्राइपैनोसोमा को देखने के श्रेय फोर्ट 1901 को जाता है और 1902 में उसे रिकॉग्नाइज करने का श्रेय ड्यूटन को जाता है। जो रोगी स्लीपिंग सिकनेस से पीड़ित थे उनमें इस रोग को सीएसएफ में देखा गया। सर डेविड प्रोड्यूस ने 1895 में इसे डिस्कवर्ड किया कि स्लीपिंग सिकनेस टीसीटीसी फ्लाई द्वारा ट्रांसमिटेड होती है और इससे जो डिजीज होती है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम देख लेते हैं कि कहाँ पाया जाता है। ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस मेनली फाउंड पर्टिकुलरली इन नाइजीरिया और कॉन्गो। यह सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में भी पाई जाती है। यह पैरासाइट का इंसेक्ट रिवर्स लेग्स के आसपास एरिया में देखा जाता है क्योंकि इसका वेक्टर टीसीटीसी फ्लाई में देखा जाता है। लो व थिक वेजिटेशन में पाया जाता है। अब हम इसके बात करेंगे इसके हैबिट एंड हैबिटाट की। इसका यानी आधा हिंदी में बात करें तो आदत और स्वभाव इसका कैसा होगा। ट्राइपैनोसोमा से ह्यूमंस में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। यह एंडोपैरासाइट इन्फेक्टेड पर्सन की लिम्फ ग्लैंड एंड ब्लड में रहता है। यानी ये एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर रहेगा, इसलिए हम इसको एंडोपैरासाइट में रखते हैं। बाद में यह सीएनएस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सीएसएफ पर भी अटैक करता है, जिससे फीवर, एनीमिया, लिथर्जी करता है, जिससे ह्यूमन की डेथ हो जाती है। इसका मेन वेक्टर जो मैन टू मैन पैरासाइट का ट्रांसमिट करता है वो टीसी फ्लाई और ग्लोसिना पेपलस होता है। ह्यूमंस के अलावा यह वाइल्ड एनिमल्स सुचास, मंकीज, डॉग्स, पिग्स, एंटीटॉप्स, बफेलोज एंड बग्स इटीसी में भी एक्सेट्रा में भी प्रेजेंट पाया जाता है होता है। अब बात करते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी की। इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होगी वो देखते हैं।
सजेप एंड साइज, ठीक है, शेप एंड साइज, एंड इसका शेप कैसा होगा और साइज कैसा होगा, कितना होगा, आइए देखते हैं। ट्राइपैनोसोमा माइक्रोस्कोपिक इलोंगेटेड फ्लैटेंड तथा बोथ एंड पर टैपरिंग होती है, यानी पतला होता है। इसकी लेंथ 10 से 40 माइक्रोन एंड चौड़ाई 2.5 टू 10 माइक्रोन होती है। इसका एंटीरियर एंड पॉइंटेड होता है यानी नुकीला होता है तथा पोस्टीरियर एंड ब्लंट होता है यानी चौड़ा होता है। ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस टू फॉर्म्स में डेवलप होता है। ट्राइपैनोसोमा एंड जिसमें ट्राइपैनोसोम एंड क्रिथिडियल फॉर्म, ठीक है, ये दो फॉर्म होती हैं, इन दो फॉर्म में ये डेवलप होता है। तब इसकी मॉर्फोलॉजी की हम बात करें, जिसमें सबसे पहले आता है फिर पेलिकल, यानी इसकी पेलिकल, ठीक है। ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस की पूरी बॉडी कवरिंग से सराउंडेड होती है। आउटर कवरिंग थिन व इलास्टिक होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेन्स की शेप मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, जिसके द्वारा यह ब्लड प्लाज्मा में स्विम करते हैं। तो आपको पेलिकल समझ में आ गया, ठीक है। फ्लैजिलम आपको बताते हैं, ट्राइपैनोसोमा में सिंगल फ्लैजिलम पाया जाता है। यह बेसल बॉडी से उत्पन्न होता है जो बॉडी के पोस्टीरियर एंड के पास पाया जाता है। किसके पास पाया जाता है, बॉडी के पोस्टीरियर एंड के पास। इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख, यानी टीएस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर फ्लैजिलम में 9+2 एनलार्ज्ड फाइब्रिल अरेंजमेंट दिखाई देते हैं, जैसा कि यूग्लिना के केस में होता है। किस में होता है, यूग्लिना के केस में। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, अब जो हम मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं वो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन क्या है, आइए देखते हैं। जब फ्लैजिलम बीट करता है तब यह उस पेलिकल को जिससे यह अटैच्ड होता है, ठीक है, मेम्ब्रेनस फोल्ड में धकेल देता है और उसे हम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। किसे हम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी जो पेलिकल है, ठीक है, जो फ्लैजिला है जो पेलिकल से अटैच्ड होता है और मेम्ब्रेन फोल्ड में धकेल देता है, उसे हम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अगला आता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, आपने उसमें फर्स्ट ईयर में सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, सेल के अंदर और जितने भी एनिमल्स हैं उसके अंदर पढ़ा होगा कि साइटोप्लाज्म क्या है। हर एनिमल्स के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और तो आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं। साइटोप्लाज्म पेलिकल के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म एक्टो एंड एंडोप्लाज्म में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया विद ट्यूबुलर क्रस्टी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके पोस्टीरियर एंड के पास में ब्लीफेरोप्लास्ट पाया जाता है। ब्लीफेरोप्लास्ट के पास माइटोकॉन्ड्रिया डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स भी पाया जाता है। न्यूक्लियस के रिजर्वायर के बीच गॉल्गी एपरेटस प्रेजेंट होता है और ईआर, ठीक है,
गॉल्गी एपरेटस का वर्क क्या है, यानी ये ट्रैफिक पुलिस का काम करती है, ठीक है। न्यूक्लियस, इसको संभालता है, पूरी पैरासाइट को कंट्रोल करता है, पूरी सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बात करते हैं ईआर, ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर इज प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ईआर कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट थ्रू आउट, ठीक है, साइटोप्लाज्म के थ्रू आउट के थ्रू प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ्रीली सिक्रेटेड होते हैं, साइटोप्लाज्म में वेरियस स्मॉल वैक्यूल्स भी दिखाई देते हैं। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में एक लार्ज ओवल और वेस्कुलर न्यूक्लियस दिखता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल यूनिट मेम्ब्रेन होती है और उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्म क्लियर स्पेस में चारों ओर स्कैटर्ड होते हैं। ये देखिए ट्राइपनोसोमा गैम्बियंस का डायग्राम, ये काइनेटोप्लास्ट, ठीक है, बेसल ग्रेन्यूल्स और ब्लीफेरोप्लास्ट, ठीक है, अटैच्ड फ्लैजिलम जो ब्लीफेरोप्लास्ट से अटैच्ड होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, अटैच्ड फ्लैजिलम जो फ्लैजिलम अटैच होता है, और ये फ्री फ्लैजिलम, ठीक है, ये हमारे रिजर्व वायर्स होते हैं, ये हमारा एंडोप्लाज्म और जो बाहर की साइड होता है वो एक्टोप्लाज्म। ये ट्राइपनोसोमा गैम्बियंस का फुली डायग्राम है। थैंक यू।